सबरवाल इंटरनेशनल स्कूल इंडिया के टॉप 5 स्कूल में से एक स्कूल है। स्ट्रेट जी। एंड हमारे स्कूल में टीचर्स दे नॉट ओनली कम फ्रॉम इंडिया, दे कम फ्रॉम अब्रॉड टू। फोर। वेरी गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। हमारे स्कूल का मोटो ही है, एजुकेशन इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। बहुत बढ़िया जी, बट आई कैनॉट हेल्प यू विथ योर नेफ्यूज एडमिशन। आई मीन लुक एट दिस, 5वीं क्लास तो आप भूल जाइए, हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2nd क्लास में भी एडमिशन नहीं मिलता। लुक एट हिम, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वीडियो गेम। सॉरी सर, जब भी बिट्टू नर्वस होता ना तो ऐसे खेलने लगता है जी। ऐसे भी उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके दो ही तो सहारे हैं, एक मैं रिम्पी और दूसरा ये PSP। बड़ी बुरी लत लग गई है इसे जी। लेकिन आप टेंशन ना लो, इसके सारे होमवर्क्स और प्रोजेक्ट्स मैं खुद करूँगा, लाइक ऑल अदर पेरेंट्स। बस आप एडमिशन दे दीजिए प्रिंसिपल साहब। ठीक है, वो भाभी जी के लिए गिफ्ट है जी। व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट, गेट आउट। अरे आउट छोड़िए, जरा इन तो देखिए, इन। और भी है जी। मेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करता है, अपने को बड़ा हीरो समझता है तू, अगर खाना भेजा तुझे। हीरो तो आप बन जाएंगे सर जी, जब कल आपके पीछे इतने मीडिया वाले भाग रहे होंगे जितने कि आमिर के पीछे भी लोग भागते हो। कबूतर, कबूतर, ए ए क्या करता तू, ए ए ए। गुड मॉर्निंग। गर्लफ्रेंड कहती बॉयफ्रेंड से कि फटाफट मेरा टॉप उतारो, बॉयफ्रेंड कहता ये लो, फिर गर्लफ्रेंड कहती है बॉयफ्रेंड से और फटाफट मेरा स्कर्ट उतारो, बॉयफ्रेंड कहता ये लो, गर्लफ्रेंड डांटते हुए कहती खबरदार आएंगे तो मेरे कपड़े पहने तो। एग्जाम भी चल रहे हैं, शीट लेकर आ रहे हैं तेरे पीछे खुद प्रिंसिपल। ओए आंटे इसको, आंटे आंटे।
खालू बंदूक। और प्रिंसिपल है या शूटर? क्यों भाई सुखी, मजा आ रहा है? बिल्कुल वैसे जैसे अग्रवाल के यहाँ नूडल लेके भागते थे। ओए लेकिन अग्रवाल गोली नहीं मारता था। हेलो मम्मी जी, हमारा लोकल केबल टीवी तैयार हो गया ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए। दबा दिया बटन? ओए ना 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 कबूतर, इस गेम में टाइमिंग सही होनी चाहिए। जब बल्लू एसएमएस करेगा तब ये टेलीकास्ट करेंगे हम। इंतजार कर। राम के पिल्ला, साले बाहर आओ। सालो मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाओगे? अरे बस सालो, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे सेठी साहब, हम ही लोगों को तो आपकी असली कदर है, इसलिए हम आपको फेमस बनाना चाहते हैं। यकीन नहीं होता तो अपनी वाइफ को घर फोन लगाओ। वाइफ को? तुम लोगों ने क्या किया मेरी वाइफ के साथ? ओए जब तू खुद अपनी वाइफ के साथ कुछ नहीं करता तो हम क्या करेंगे पगड़ा? अबे गोली चलाना बंद कर, नहीं तो मैटर उलझ जाएगा। चल वाइफ को फोन लगा। हेलो हेलो मम्मी, तुम कैसे हो? ले मेनू क्यों होना है? कुछ नहीं, I was worried. अच्छा मैं बाद में बात करूंगा। ओके सुनो। हाँ? I love you too baby. ओए लवर बॉय, अपनी मिसेज को कह केबल का न्यूज चैनल लगा के देखे। पम्मी जी थोड़ा सा केबल चला के देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक मिनट। हमारा सबरवाल इंटरनेशनल स्कूल। ओ माय गॉड, आपने बताया नहीं कि आपका केबल पे इंटरव्यू आ रहा है। Oh, so exciting. मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है। ओके ओके बाय। अरे अबे सालो क्या बस उड़ी है, सामने आ मैं गन फेंक रहा हूँ। हेलो जी, बसूड़ी बंद कर देते हैं, चाहो तो अपनी प्यारी मिसेज से चेक कर लो। क्या चाहते हो तुम लोग? 5 करोड़। 5 करोड़ इन कैश? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ओए बच्चों को यूनिफॉर्म बनाने के चक्कर में तुम माँ बाप को नंगा कर देते हो, और यहाँ पे तू कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पिछले 2 साल में ही एडमिशन और डोनेशन का मिला के तुम लोग कम से कम 7-8 करोड़ रुपया छाप चुके हो, हम तो सिर्फ 5 मांग रहे हैं। देखिए प्लीज बिलीव मी, मेरे पास मुश्किल से 1.5-2 करोड़ कैश पड़ा होगा। 3 करोड़ फाइनल। देखिए सबरवाल की इमेज के आगे बहुत छोटी रकम है। हाँ। और वैसे भी आजकल एडमिशन चल रहे हैं, बहुत भारी पड़ सकता है स्कैंडल। इस बात की क्या गारंटी है फुटेज की तुम दूसरी कॉपी नहीं बनाओगे? ओए मामा, तेरे को क्या लगता है हम यहाँ तुझे वाटर पंप बेचने आए हैं जो तेरे को 2 साल की गारंटी देके जाएंगे? तेरे गोली नहीं मार रहे ना, इसको ही समझ ले गारंटी। ठीक है, पैसे कब और कहाँ पहुंचाने? दोपहर 1 बजे हैदर कुली चांदनी चौक पहुंच जाना और हमारे फोन का इंतजार करना। वो कोई 2000 रुपए चंदे में देता है? बोल। माफ करो सर, पता नहीं कैसे करके गलती हो गई। गलती से तो मायवे तू पैदा हो गया सी। सेठी जी देख रहे हो, 2000 रुपए घुसेड़ के माफी मांग रहा। कमाने जाओ तो पता चलता है। तुसी दसो कैसे आना हुआ? मैं जी वो अपने मैं दरअसल वो तो बहुत दिन से आप स्कूल की तरफ आए नहीं ना, तो मैं खुद देखने चला आया कि सब ठीक ठाक तो है। और मुझे क्या होना जी, उस स्कूल की जो नई वाली योगा टीचर आई है जी, एकदम फिट कर दिया मैनू, सब ठीक है। हेलो, एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? आप कौन बोल रहे हैं? माता जी? माता नहीं, तेरा बाप बोल रही हूँ, और ध्यान से सुन, मैंने रिपीट नहीं करना। हाँ जी। नंदू परांठे वाले की दुकान के ठीक सामने बशीर मियाँ की दुकान के नीचे 3 करोड़ का बैग रख देना। हाँ जी। हाँ। फिर नंदू परांठे वाले के पास जाकर
तीन मूली के परांठे एक्स्ट्रा मक्खन मारकर, ये तेरा कोड वर्ड है, ये बोलना। कितना हिसाब हुआ हमारा? कल का मिला के टोटल 460 रुपए। एक डब्बी दे दीजिए और एक पान और लगा दीजिए, टोटल 500 हो जाएंगे। हाँ बाबू जी, क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो नंदू पराठे वाला, वो है सामने। अच्छा वो? हाँ जी, हाँ जी। आओ जी, खाओ जी, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, छोले और पराठे। जी नाओगे क्या छोलों में? लो जी छोले खाओ, आलू पराठा, गोभी पराठा। हाँ जी बाबू जी, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। हाँ जी, तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन पैकेट। ओके जी, तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन पाके मार के मार के। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मक्खन थोड़े बाद छोले पुत्तर होर पा मार के छोले लो जी, छोले लो। ये क्या? क्या मजाक लगा रखा तुमने? ये चुप रहो, चोर, मेरा टेप का सराव। अंकल जी कॉलर छोड़ो, मेरे को तो बोला गया था कि जो भी तीन मूली के पराठे एक्स्ट्रा मक्खन मार के मांगे उसे एक कैलकुलेटर दे देना, मैंने दे दिया। क्या नाम है आपका? बशीर मियां। क्या हुआ था? बैग मिला? बैग मिल गया। कहाँ? तो चांदनी चौक में बशीर मियां पान सेंटर के पास। जी हाँ, काले रंग का बैग है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। कौन है आप? मैं प्रिंसिपल हूँ जी। स्कूल के? हाँ जी। प्रिंसिपल साहब जरा पीछे हटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। बीच सड़क में और दो बैग मिले हैं। लोकेशन फिर से रिपीट कीजिए। मिड चौकी बीच सड़क में दो बैग और मिले हैं। सीरियल बॉम्बिंग का मामला लगता है जनाब। हम अभी पहुँचते हैं, ओवर। अरबत भी चले जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। जसवीर पवेचा आप ही हैं? जी। आपका बेटा सुखविंदर कहाँ है? वो काम से बाहर गया है। आप अंदर आइए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो नई सड़क का बॉम्ब डिफ्यूज किया कि नहीं? अरे बॉम्ब तो यहाँ फट रहा है, ये बॉम्ब स्क्वाड का सूट है या भट्टी? हाँ। यार मेरा तो लेग पीस ही तंदूरी हो गया, खा के देख लो। तू ना हमेशा खाने की सोचता है, हालत देख अपनी। उस प्रिंसिपल की शक्ल देखने लायक थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पुलिस उसके 3 करोड़ लेकर क्यों जा रही है। आखिर प्लान किसका था? मम्मी जी के आशीर्वाद से बल्लू द ग्रेट का। वैसे एक बात बता, तूने पूसा से केटरिंग के साथ एक्टिंग का भी कोर्स किया था? वो क्या है ना कि जब जान पे बनी हो ना तो बुरे से बुरा एक्टर भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। ओ मिंटू भाई घबराओ मत, मैं हूं ना। ये ऑर्डर वाली बिरयानी तैयार है, आप देख लो जरा। आज रात वाली? हाँ जी। ये थोड़ी कसर रह गई है। ठीक है, एक काम करो, 15 मिनट और दम पे लगा दो। ठीक है, तू कसर रहने दे, कसर मैं निकाल दूंगा। और मिंटू जी रहने दो, आप क्यों कष्ट करते हो? वो
देखिए मेरा बेटा सुखी और ये इसके दोस्त हैं। सत श्री अकाल जी। हेलो सर। हेलो हेलो। ओ मेरा जरा फोन है। हाँ जीते चले पकड़ अपना खजाना। देखो ना मम्मी जी केबल इसे लगानी होती है और सेट टॉप बॉक्स का बैग हमें पकड़ा देता है। संभाल इसे। नमस्ते। नमस्ते। फिर मिलूंगा जी। ओए सुखी। वाह मिंटे जी क्या ट्विस्ट मारा है। सब गड़बड़ हो गई है। हमारे ऊपर 70 लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है। अगर उनके पैसे वापस ना किए तो हमारे घर की कुर्की हो जानी है। ऐसे कैसे कुर्की कर देंगे साले प्योदा राजा उड़ा दे। ओ सुखी सैनिक फार्म से एक जबरदस्त शादी का ऑर्डर आया था। मैंने कहा इतना लजीज बनाया तो सबके लिए लेता चलो। कीमा वड़ा सही बना है ना। कैलाश पर्वत ने 2 घंटे रगड़ के बनाया। एक बात कहूं थोड़ी कसर रह गई। 2 घंटे 4 मिनट रहना चाहिए था। कुछ भी शुक्र है वाहेगुरु जी का हमने जो प्लान बनाया था उसमें हम सब की फतेह हुई। और फतेह भी झंडा गाड़ के हुई है। पैसे भी हाथ आ गए और उस सिटी की फिल्म भी बन गई। फिल्म बनाई किसने है? फिल्म अभी बननी बाकी है पुत्र। अभी तो हमने सिर्फ 3 करोड़ इकट्ठे किए हैं। 12 करोड़ और इकट्ठे करने हैं। सोचो नहीं लग रहा आपको जानती हो अगर तुसी होंदे तो हमें ये सब कुछ ना करने देते। याद है रमी में आप मेरी चीटिंग को चट पकड़ लिया करते थे। पर पवीजा जी गुस्से कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। साडे कोल और कोई चारा भी नहीं सी। रविंदर पवीजा जी हमारे बैंक के एक एसेट है। बैंक की शान। पवीजा जी आज इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये बैंक आम और मध्यम वर्गीय लोगों का बैंक हो जिसमें कि वो अपना धन सुरक्षित रख सके और मुनाफा भी बढ़िया कमाए। धन्यवाद सर। इस स्कीम के हिसाब से 3 महीने के कैश डिपॉजिट पे 15% इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम सर? आप 15% की टेंशन ना लें। आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को स्कीम में लॉक करने की कोशिश करें। अगर कोई इन्वेस्टर पैसा चेक में देना चाहे तो? ओ ना ना सायरा ये स्कीम सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए है ना तो उनकी इनकम तो मोस्टली कैश ही चोंदी है। ओ सब बड़ वाली ने इसलिए तो स्कीम के लिए सेपरेट टाइटल अकाउंट खोला है और आप दोनों तो साइनिंग अथॉरिटी हो। लो जी बवेजा जी। ओ जी अपना द्वारका विच एक छोटा जिहा फ्लैट सी ओ बेच के ए पूरे 9 लाख रुपए जनाब तुहाडे वास्ते। ये उनसे बचाकर की हुई कुछ सेविंग्स है ये ले लीजिए स्कीम का सर्टिफिकेट। ओ सायरा मैडम तो बवेजा जी से बड़ा सर्टिफिकेट थोड़ी हो सकता है। नहीं स्कीम बहुत चंगी चल रही है जी। गुप्ता जी ये इन्वेस्टर्स का अब तक का पैसा है इसको टैली कर लीजिए और सेफ ही रख लीजिए। हाँ भाई केड़े बिजनेस हो रहे हैं सुबह के 4 बजे? कौन सा बिजनेस खाली बैठा हूं। तो ये कोई वक्त है घर आने का? आपने मेरे जिम का लोन पास कर दिया होता तो मैंने भी घर टाइम पे आना था। तू ज्यादा ड्रिंक की हुई है जा चुप जाके सो जा। सोना नहीं है मुझे बोलना है। इन्होंने मेरा लोन पास कर दिया होता तो पूरे दरियागंज के छतों पे केबल के तारे नहीं बांध रहा होता। ओए उन्हीं तारों से तेरी टांगे बांध देनी है मैंने। नलायक रोज पी के आ जाता है घर। आऊंगा रोज पी के आऊंगा। नहीं करना मुझे केबल का बिजनेस। ओ जा जा जो करना है कर पर एस कार भी फिर पी के ना बड़ी। ठीक है जा रहा हूं मैं दिल्ली छोड़कर। रुक जा पुत्र रुक जा सुखी पुत्र रुक जा ले लो स्वाद सुखी आ जाएगा वापस वो सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है। लोंगे आंटी थैंक यू हैप्पी दिवाली और सारी मिठाई एक बार में मत खाना। थैंक यू दिवाली मुबारक बहुत बहुत आजा बैठ। और मम्मी जी दिवाली की मुबारकबाद।
इसने तो हमारी दिवाली सेट कर रखी है। जब से सुखी गया है ऐसे ही मुंह लटका के बैठी हुई। आ जाएगा सुखी वापस। कौन सा पहली बार गया है? बैंक ने सबके पैसे वापस कर देने इंटरेस्ट के साथ। ना जी ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। आपको साफ सुन दिया, बोलो। सर आप हमें पुलिस के हवाले कर रहे हैं? आपके कहने पे तो इन्वेस्टर्स के पूरे 15 करोड़ हमने टाइटल अकाउंट में जमा करवाए हैं सर। किड़े पैसे, किड़ा टाइटल अकाउंट, क्या बोल क्या रहे हैं पविजय जी? गुप्ता जी तुसी दसो, आप तो जानते हैं सारे पैसे आपको दिए हैं। जी गुप्ता जी दसो। सर इन्होंने कोई पैसे नहीं जमा करवाए मेरे पास। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पविजय बैंक के साथ धोखा, बैंक के साथ फ्रॉड। पिछले 30 साल से मैं इस बैंक की सेवा कर रहा हूँ, आप जानते मेरी ईमानदारी को। और शट अप, जो भी कहना है थाने में चल के कहना। ले जाइए इन दोनों को। चलिए हमारी बात तो सुनिए सर। तुम लोगों के पहे मेरे एम्प्लॉई बेवेजा और सारा ने ठगे हैं जी। इधर बैंक में चिल्लाने से पैसे तो नहीं मिले। मैं चाहूंगा जाइए पुलिस स्टेशन में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। शान वालों ने तो इस केस से हाथ झाड़ लिया। और क्या? हाँ, और कहां गायब कर दिया साडा पैसा? अरे ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? हाँ, मेरा नाम भी चड्डा है। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं गायब करने देंगे। वो देखो वो आ गया। आ गया चोर का बेटा। कोई नहीं, आने दो, हम तो चलते हैं, इससे वसूल करेंगे। और क्या, ऐसे कैसे? हमारे मेहनत की कमाई। पूरा यकीन है बबेजा जी, तुसी कुछ गलत नहीं किया। मम्मी जी एक गल दसा, मैं पहले कदी कह नहीं सका कि मैं उन्हानों किन्ना प्यार करता। ठीक है हमेशा डांटे रहते थे, पर मन ही मन में उनके उसूलों की बड़ी इज्जत करता सी। वाहेगुरु जी दी सौ, उन्हां दा खोया हुआ सम्मान वापस लेके ही रवांगे। Cheers for marriage, health and wealth. Cheers, पाजी, cheers. भाई साहब शादी की सारी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कर दिए मैंने। हाँ, ओ मैं तो कहना ही सबर भाई साहब होनी भी चाहिए। एक बात बताओ जी, आज का टीवी स्टार, कल का फिल्म स्टार बेटा है मेरा अमन, है ना जी? और मैं तो सबर वाला समय एक बात बताऊं आपको, मन तो लगता तुहाडे हाथ ना हीरा लग गया, हीरा। और देखो भाजी मैंने उसको क्या संस्कार दिए, और मैंने सिर्फ उसको ना एक बार शादी के लिए बोला, तुरंत हाँ कर दीजिए उसने। और वैसे देखा जाए तो फेसबुक पे उसकी 2000 फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई, वो भी लड़कियों की। मेरा किया हुआ वादा पेंडिंग नहीं रहेगा। मुंबई ताज में रिसेप्शन, यूरोप में हनीमून, 15 करोड़ रुपए, पाजी सब तैयार रखे हैं आपके लिए मैंने। आपके तो एक ही लड़की, आपका तो बनता है, है?
क्यों जी? ठीक बोला कपूर साहब, गुड़िया का ठीक से हो जाए उसके बाद कुछ बोझे और हैं, उधर जाए तो माय सच लाइफ रियली सेट हो जाएगी। ओ सबरवाल साहब, आप टेंशन ही मत लो, हमें तो बहुत दूर तक जाना है। किसे जाना थी, गड्डी निकालूं? ओए वो समझाया करो यार उसको कुछ, हैं? वो जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब समझ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात सुनी है पूरी तूने? बात ये है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए फिर देखो जी, आपका बैंक वाला केस तो नहीं जी मैंने ऐसे ठोक ठोक के दबा देना, और रही आपकी ये फाइलों की बात, चुटकियों में क्लियर करूँगा चुटकियों में। अरे भाई ये बोलकर एकदम दिल खुश कर दिया कपूर साहब, कमाल है आप सच। इसी बात का मेरा पक्का है कि आपको जोक सुनाएगा, सुना 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 समझी नू, कौन सा जोक सुनाऊं समझी जी नू? पक्के जोक सुना मतलब सुना जी, मैसेज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, स्वीटी शामी ना कार आ जाना, उते कोई नहीं होगा। स्वीटी शाम को कार जाती है, उते कोई नहीं होता कोई उते कोई जो के क्या बात है इसी ऐसा ही होता है ये तो कुछ भी नहीं है और भी है। Stop it, Aman. I'm too going to die laughing. पता है तुम्हारी पापा के साथ खूब जमेगी। अच्छा? You got a wicked sense of humor, हाँ? लेकिन रियलिटी शो पे तो बड़े सीधे बने रहते थे। You see, baby, वो रियलिटी शो जीतने के लिए अमन जी की स्ट्रैटेजीज थी। It's called mind game, sweetheart. Mind game. Mind games. You smoke? Of course. When Aman ji is happy, Aman ji smokes. लेकिन आपका तो टीवी पे एंटी स्मोकिंग का एड चल रहा है ना? इमेज बेबी, इमेज करना पड़ता है। एंड एनीवे आई चार्ज फॉर इट। यू चार्ज फॉर इट? ऑफ कोर्स, आई एम अ सेलिब्रिटी। वाओ, नाउ दैट इज हॉट। स्टॉप लेचिंग। आई एम नॉट लेचिंग, आई एम जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी। टाइम क्या हुआ? आर यू गेटिंग लेट? या इट्स टाइम फॉर माई जिमिंग, कम। क्या केबल के पैसे? केबल के पैसे तो पूरे लेने आ जाते हो, फिल्में दिखाते हो आधी दूरी, आधी फिल्म में तो तुम ऐड दिखाते रहते हो। तो एड्स के हम अपने घर पे बनाते हैं और नहीं तो क्या? मोटी के नखरे देखे, टिच टिच करती रहती है। ले बड़, दफा हो जा और अगले महीने मत आइयो। अरे इनको तो लगता है इन्होंने केबल के साथ हमें ही खरीद लिया। वो सुखी, सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। वो रात भी इंग्लिश पिक्चर नहीं लगा रहे आजकल? कोई नहीं जी, वो वीकेंड में लगा देंगे। ओके। ओए हीरो गए तुम। अरे इन फकीरों के यहाँ तो केबल ही नहीं है। एक मिनट चुकी। अंदर सीआईडी चल रहा है, मम्मी जी का फेवरेट सीरियल। इनकी तो साले हमारी केबल चोरी कर रहे। ओहो रुक, कौन है भाई तुम? हुँ? भाई भाई न्यू में तेरा सुखी फ्रॉम जसबीर केबल। हमें कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। दरवाजे में इतनी बड़ी घंटी दिखाई नहीं देती, दरवाजा क्यों पीट रहा था? अभी तो सिर्फ दरवाजा पीटा है, क्या चल रहा है अंदर? चिकनी चमेली का डांस चल रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है? मुझे पता है अंदर केबल पर सीआईडी चल रहा है, चोरी का कनेक्शन लगाने के लिए जेल करा सकता हूँ। ओए किधर जा रहे? ओए रुक रुक रुक, तेरी कौन सी प्रॉपर्टी छीन लिया, कुछ लेते के बाद खत्म करना। रिश्वत खोरी तो कुछ लोगों के खून में है, शरीफ लोग हैं हम। हम कौन से डाकू हैं? आप ना रिपीट में देख लो, बहुत करते हैं ये लोग। पहले आप मुझे बताओ फ्री में केबल कब से देख रहे हो? जो तो दया पहली बार मारन की कोशिश की थी उदो देख रहे हैं। तू साहब लाल है,
पिक्चर नहीं। दया पे हमला? 5 महीना सॉरी 5 महीने से केबल देख रहे हैं। 5 महीने से 1000 रुपए कनेक्शन का और 5 महीने का 250 रुपए के हिसाब से टोटल हो गए 2250। पैसे यहाँ देने के थाने चल के। अच्छा कुछ कंसेशन ही कर दो। जी वो कंसेशन वंसेशन नहीं होगा, पैसे तो पूरे 2250 देने ही पड़ेंगे। हम ईमानदारी से कमाते हैं। ओहो ईमानदार लोग जिंदा हैं। जी इस वक्त तो मेरे पास फिलहाल सिर्फ 150 रुपए हैं, बाकी के 100 रुपए अगले महीने एडजस्ट कर दूंगा। ओ सुक्की फ्रॉम जस्ट बीयर केबल, अगले महीने तुम्हारा केबल बंद हो गया तो हमारे 100 रुपए तो गए ना। ठीक है कल सुबह भिजवा देता हूँ। आपके 100 रुपए के चक्कर में हम अपना बिजनेस नहीं बंद कर देंगे। बाकी के कल भिजवा देना। अब और क्या चाहिए? चल क्या देख रहा है? तेरा दूसरा भी हुआ, तेरा तीसरा खत्म हो गया, क्या हो गया तेरे को? बना बना। चल सुन, जो लोमड़ी कोमड़ी की दूध की फैक्ट्री वाला काम था ना, मैंने वहां पे कबूतर को फिट कर दिया। हो गया? तू ना इस दुनिया का सबसे बड़ा जुगाड़ू है। क्या भैया कितनी बार बोला है 10 बजे के बाद आया करो। जी मैं सुखविंदर बवेजा। ओए केबल वाले, रात से यहीं पर डेरा जमाए हो? नहीं जी वो सारी रात नींद नहीं आई। वो क्या है ना, आपके 100 रुपए रिफंड करने थे और मम्मी जी कहती है कि उधार सीने पर बोझ होता है। ओ ठीक है तो फिर बोझ हल्का करो। हाँ सॉरी जी, सिर्फ 50 रुपए हैं, बाकी के 50 कहीं गिर गया लगता है, बाद में दूं तो चलेगा? हाँ, चलेगा, पर इस चक्कर में रात भर जागना नहीं। अब क्या है? 20 रुपए और मिल गए जी, चोर पॉकेट में पड़े थे। चक्कर गया भाई, 10 रुपए और मिल गए जी। इस बार पूरे 500 मिल गए हैं। अगर मूड हो तो साकेत में मॉर्निंग शो देखा है? Hmm.
आंखें हैं तेरी जैसे काला जादू, जब से देखा है तुझे हुआ मैं बेकाबू। हबीबी 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 आंखें हैं तेरी जैसे काला जादू, जब से देखा है तुझे होया मैं बेकाबू। आजा ओ बेबी तुझे दुनिया घुमा दूं, हाँ कर दे मुझको मैं हॉलीडे करा दूं। हबीबी 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 एक प्यार दी उम्र दूजा कुड़ी तू बटर मोड़ दिल दा सीओ तो जाना हुआ पल्ले गांदा क्लिक गिरा अख दा शटर छपी दिल पे तेरी फोटो जाना। One, two, three, four, five, six, seven from the top again. Whoa, oy, one, Shilpi. Two, three, hi. Four, hi. Guys, give me a moment. How are you? I'm fine, and you? अच्छा सुन, एक फेवर चाहिए था. Mitsuki. Nice to meet you. Heard a lot about you. आप यहाँ सिखाती हैं? जी नहीं, मैं सीखती हूँ. सर जी, बाहर लाइटें वाइटें सब लगवा दी हैं, स्टेज तैयार हो गया है और पांच बड़े बड़े जनरेटर भी लगवा दिए. कोरियोग्राफर अभी बात कर लेते. वन टू थ्री. हेलो हेलो शिल्पी जी, मैं दिस साइड सुधीर बग्गा. हाँ जी बग्गा जी, आप आने वाले हैं ना वो शादी में सबको डांस वांस सिखाने के लिए? आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा. कहा था ना आपने कि आप तो आ रहे हैं. हाँ जी, हमारी बात तो हुई थी लेकिन एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है. क्या? लेकिन डोंट वरी, मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगी ना. अच्छा अच्छा. शी इज अ वेरी गुड डांसर और उसके चार्जेस भी मुझसे कम है. थैंक यू जी, बाय बाय. डन हो गया जी. चलो एक तो काम अच्छा गया तू बग्गे. एंड वन टू थ्री फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड. हाय डैड. गुड़िया बेटे. हाय डैड. क्या हो रहा है जी? मीट मनप्रीत आवर न्यू कोरियोग्राफर, बाय द वे शी इज फैंटास्टिक. हेलो. हाय सर. आप ही को शिल्पी जी ने भेजा ना? जी. ओह यू हैव टू रियली डू योर बेस्ट जी, मेरे बेटे की शादी जो है. डेफिनेटली सर. सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग? जी जरूर. आप गुड़िया के डैड लगती नहीं है. यू मेंटेन योरसेल्फ सो वेल. यू डोंट नो डैड, ही डज पा योगा एवरी मॉर्निंग फॉर 1 आवर. ओह जी थैंक यू जी. ए आप लोग करिए, चलो. सी यू सर. बाय बाय. ओके अगेन. सो एंड यस. बाय. चल बाय. हे प्रीत. थैंक्स हाँ, जो तूने मेरे लिए किया है ना. ओए थैंक्स हाँ, किसी और को बोलना. अगर तू नहीं होती तो मैं. इसे मैंने तेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है. मतलब तू नहीं समझेगा, पर सच में तुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं. सेंटी क्यों हो रहा है? एक काम कर, मेरी नानी के लिए ना फ्री लाइफ टाइम केबल कनेक्शन दे दे, देन वी आर इवन. क्या रे, इमोशनल करके किस लेगा क्या? चल 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 बाय. थैंक्स यार, ये मनप्रीत बड़ी सही बंदी है. क्यों? हम लोग सोचते रह गए और अगली ने सबरवाल के घर में एंट्री भी कर ली. देख लेना उसने सारे काम सेट कर देने. तो सारे काम उसे करा लेना, यहाँ क्यों मराने आया है? क्यों चल रही है जीजा जी? जरा पी के बताओ इनमें से असली कौन सा है. ओए सालो, गुड़ तो बियर पी रहे हो और मैंने दूध पिला रहा हूँ. और जीजा जी एक बार टेस्ट करके दे प्लीज. मैं हद कर दी तुम दोनों. जीजा जी दूध पियो दूध पियो दूध पियो. और बग्गे और कहीं आज नाग पंचमी तो नहीं है? पाजी मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ होना है जी. अच्छा गुड फॉर हेल्थ, पता हेल्थ बना. चल ना ना ना, मैंने ना मिल्क सूट ही नहीं करता आएगा. बग्गे ग्लास चक.
पहले वाला ट्राई करो। ट्रैवलिंग है ना? ना। तो सुनिए। नहीं नहीं। तीसरा असली है। ओए जी ओए, ओ बिल्कुल ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओ जीजा जी, तीनों के तीनों नकली है। ओ कमाल है। ओ मलाई तो एकदम असली दूध वाली। जीजा जी कमाल का केमिकल हाथ लगा है। अब मलाई नहीं, दूध, क्यों, मावा, लस्सी सब एवन। अब हम दूध बनाएंगे और आप बैठ के मलाई खाना, मलाई और वो भी प्योर। मतलब अब असली माल में नकली बनाकर दुकान को देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा माल नकली देना। और चाचा जी बस 3 दिन में हमने पहले ऑर्डर की डिलीवरी देनी है, उसके बाद 5 उंगलियां क्यों बिच और सर कढ़ाई बिच। और पता है ये लोग अपना माल फ्रिज में रखते हैं। इनकी बहन दी, अगर ये पैसे फ्रिज में रखते हैं तो दही क्या बैंक में जमाते हैं। तो चलो ना करते हैं इनकी लस्सी मलाई मार के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फूड। मैडम जी, तेरी सील करनी पड़ेगी आपकी। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे नकली दूध बनाया जाता है और ये दारू भी पी रहे हैं यहाँ पे। कुछ तो शर्म करो। खड़ा खड़ा चलो जाओ। ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट चलो जाओ। और इंस्पेक्टर चौधरी, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए और इनका लाइसेंस जब्त कीजिए। मैडम बात चलिए, आप दरवाजा खोल। क्यों भैया, मिल्कमैन लाइसेंस निकाल। दूध में मिलावट करते हो? बिना गाय के दूध? चलो फोटो खींचो इसके। सर जी एक फोन कर लूं प्लीज। अच्छा अच्छा। ओम नमः शिवा। ओम नमः। हाँ ओ जीजा जी, एक स्यापा हो गया है। ओ जी डेयरी पे रेड पड़ गई है। ओ जी पता नहीं कोई लेडी ऑफिसर है वो। इस मैटर को कैसे भी हैंडल करो तुम लोग। गुड़िया के होने वाले ससुर की बात पता चलेगी तो शादी रुक जानी है। और जितने भी कैश पे पड़े डेयरी पे सब वहां से हटा दो। और वो फ्रिज जेनी के घर पहुंचा दो। उसे कहना कि मैंने उसे गिफ्ट दिया लेकिन उसे खोले नहीं जब तक मैं वहां आ नहीं जाता। आज रात मैं उसके घर जाऊंगा, उसे कहना। अमा आप सबरवाल जी के साले हो? ओ जी फर्स्ट कजन फ्रॉम मदर साइड है जी। ओ तेरी मदर, क्यों हो गया? देखो अपने जिज्जा से हमारी शिकायत ना करियो। अच्छा इन मैडम का तो कुछ होना नहीं है, हमारी नौकरी खा जाएंगे तो। और जिज्जा देखो थोड़ी मदद करते भैया पवन हंस। अच्छा चाहते हो वापस ले ले। देख भैया तेरे को अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तेरे को हमारे को उस मैडम से पीछा छुड़वाना होगा। हमारी मैडम को? हाँ हटवा दूं? ऊपर से नीचे तक खिलाए पड़ेगा। तू कर तो सही, एक बार हमारा फ्रिज ना तू इस फैक्ट्री से बाहर निकलवा। अच्छा अब देखो कमाल हो जाएगा काम। पक्का? इंस्पेक्टर चौधरी, हमें कमिश्नर साहब ने अर्जेंटली बुलाया है, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए और हमें रिपोर्ट देते रहिए। और रमन तेरे को क्या हुआ? शर्म, इसमें दूध है कि दारू? ये लो जी सर जी पूरे 15 लाख है। अब हमारी बात ध्यान से सुने। हाँ जी हाँ जी बोलो। फ्रिज के साथ आप दोनों में से एक ही आदमी जाएगा, ठीक है? और उसके साथ हमारे ये साहब भी जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और जैनी को लगना चाहिए कि गिफ्ट है, जीजा जी ने बोला था। हमारा टाइम कब आएगा जैनी को गिफ्ट देने का? तो यार जीजा जी छोड़ेंगे तो आएगा ना,
केले चैनी को दे दियो मेरी तरफ से। पहले चलता सही। रमन, हाय जेनी, दिस इज जीजाजी'स गिफ्ट फॉर यू एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। फ्रिज? लेकिन मेरे पास है फ्रिज। नो नो नो, देयर इज अ बिग सरप्राइज। सरप्राइज? जीजाजी विल टेल यू लेटर, वो रात को आएंगे। प्लीज डोंट ओपन है। हेलो लेडी, मायसेल्फ जोगी, हाउ इज योर डे? हाय, आई एम ओके। चले साहब। हेलो लेडी, जोगी अगेन, रिमेम्बर? एक्चुअली वी गेव यू द रॉन्ग फ्रिज, सो वी हैव गॉट यू द न्यू फ्रिज। ये देखो, दिस हैज मोर फीचर्स, कलर, वाह जी वाह, कमाल। हाय। कौन हो जी आप? मैं जोगी। आप सबरवाल साहब है ना? सबरवाल साहब, आपकी दूध की फैक्ट्री है, आई नो इट। आपकी आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, आपके स्कूल है, बंगले है ना। एक मिनट, मेरा फोन आ गया जी, मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। हेलो, सबरवाल साहब के साथ ही हूँ मैं जी, पर दो मिनट में आया। ठीक है, हाँ मिलेंगे जरूर। कौन था ये? वो जो रमन फ्रिज ले था। सो ही वाज विद हिम एंड दोस टू गाइस, दे आर एक्सचेंजिंग द फ्रिज राइट नाउ। अरे मैंने कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी बोली थी, कौन आया? दे आर देयर इन द किचन। कहाँ? ए ए, कौन है? कौन? ए अंकल जी। सालो, तुम्हारी वजह से मेरे 5 करोड़ जाने थे। जीजा जी, आपका फ्रिज पहुंचा दिया है विद बैलून। तेरे बैलून की तो डेरी पर रेड नकली थी। अरे, रेड नकली थी? बताओ करो कौन थे? सालो, तभी वो सूट जल्दी निकल गया। हाँ हाँ, पर पैसे तो बच गए ना। लेकिन स्वामी जी, मेरे साथ हो क्या रहा है? देख, तेरा समय बहुत खराब चल रहा है, शनि की सारी शक्ति चल रही है तेरे ऊपर। स्वामी जी कुछ करिए प्लीज। तू गुड़िया की शादी होने तक एकदम चुप्पी साध के बैठा रहे। शादी का दिन शुभ है, फिर उसे पहले 101 ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दे दे, तू कष्ट से मुक्त हो जाएगा सबरवाल। ठीक है स्वामी जी। तो मम्मी जी, मैंने तो पहले इसको कहा था कि तू मनप्रीत पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है। अरे मिंटू के सामने कहा था, पूछो इसको। ओए बल्लू, तू बकवास बंद कर। पता नहीं वो सबरवाल कित्थों आ गए, ये तो काम हो जाना सी। ओए कित्थों आ गया मतलब? उस पे नजर रखने का काम किसका था? मम्मी जी, एक काम दिया था उसको, बस एक काम, वो भी नहीं किया उसने। अब जो हो गया सो हो गया, कम से कम 15 लाख तो आए हमारे पास। अब 15 लाख का ना अमचूर खरीद के अपनी दाल पे डाल लेना, उसी काम आने 15 लाख। और ये बड़ा मजनू, सारे काम उसने सेट कर देने हैं। ले देख ले सेटिंग। मैं तो कहता हूँ अभी का अभी मनप्रीत को प्लान से बाहर करो। ओए क्यों बाहर करो भाई उसे? ओए ठंड खा, ओए ठंड खा। हमने अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। करना क्या है मम्मी जी? मैं तो कहता हूँ अभी 4 लड़के उठाता हूँ, पिस्तौल रख के हरामजादे को लूट लेते हैं। ओए गाली नहीं। पागल हो गए हो क्या? पागल क्यों? क्योंकि हम कोई पेशेवर डाकू नहीं है बल्लू भाई। अपने पैसे वापस लेना डकैती नहीं होती इस तरह से, और इसके बाद हम सब सलाखों के पीछे चले गए तो ये बात उसी समझ में आए तब ना। और तो एक काम करो, तुम लोगों को जो बात समझ में आती ना तुम लोग वो कर लो, मैं जा रहा हूँ। बल्लू बल्लू, और रुक मत, बल्लू। इंस्पेक्टर अली का आज ही फोन आया, इन्वेस्टर हमारे सर पर बैठे हुए हैं,
15 दिन में अगर उनके पैसे ना वापस किए तो हम सब लोगों ने सड़कों पर आ जाना है, गल्ला मार दे। देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ मम्मी जी की फिक्र है, उनका प्लीज ख्याल रखना। और अपना भी। सायरा, मैं तुम्हें जल्दी ही लेकर जाऊंगा यहां से। तुम लोग बस मेरी गलतियां निकालते जाओ। वो सुखी जो आशी के चक्कर में पूरा प्लान चौपट कर रहा है, वो कुछ नहीं। आपस में लड़के कुछ फायदा है बल्लू? अंत में नुकसान तो हम अपना ही करेंगे ना। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अगर 2 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो मम्मी जी का सब कुछ छिन जाना। बड़ी मुसीबत में फंस गए हम। तुसे टेंशन ना लो मम्मी जी, मिंटू है ना वो सिखा देगा मुझे केटरिंग करना। ओए तू समझ नहीं रहा है, बल्लू का तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। सबर वाले जिस भी ताले पर पैसे रखे हो उसे खोले में उसने दूसरे से 30 सेकंड नहीं लगाना। हाँ लेकिन अब झगड़ के तो वही गया है ना। बहुत झगड़ा करते हो दोनों, चल मत्था टेक। बल्लू का फोन। हेलो। हाँ जी मम्मी जी, सत श्री अकाल जी, बलवंत बोल रहे हैं। सत श्री अकाल बेटा। ओए माफ करना, उस दिन मैं गुस्से में निकल गया वहां से, लेकिन आप टेंशन मत लो जी, पते हमारी होनी है। बल्लू मैं अभी सुखी से तेरे बारे में बात कर रही थी। देख बेटा तुम लोग आपस में झगड़ा मत किया करो। ओए तुम लोग ब्रदर्स हो, अभी मैंने गुरुद्वारे में तुम सबके लिए अरदास की है। और मैं तो कहता हूँ जी वाहेगुरु जी को भी कहो हमारी टीम में ही आ जाए, हमारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। चंगा बेटा चंगा। हाँ अच्छा सुन जी, शामी आ जाए फिर। अच्छा जी मिलता हूँ जी। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल। ओए बल्लू मान गया है, शाम को आ रहा है, चल बेटा। हाँ। चल चुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके ये नीचे। चुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके ये नीचे। हाय लगिया करे दिल ठगिया करे, लगिया करे दिल ठगिया तेरे, करके सीना चोरी खुराफातिया ठिया तोरी। हाय खुराफातिया ठिया तोरी। हाय पापा मनप्रीत जी पूरे दिल्ली में बड़ी पॉपुलर है, शी इज फैंटास्टिक। देखना कॉकटेल पार्टी तक
ऋतिक बना देना पापा। ऋतिक गुड़िया, आई थिंक इज गेटिंग कॉन्शियस तुम्हारी वजह से। यू जस्ट गो, मैं रिहर्सल कराती हूं। प्लीज गो। ऑलराइट, आई एम फैमिलीड एनीवे। चलो लेट्स गो, सी व्हाट दे आर सेइंग। मैम शैल वी स्टे हियर? नहीं नहीं, जस्ट टेक देम इनसाइड, बाहर रिहर्सल करवा दो। यू नो अंकल जी, आप बहुत स्टिफ हैं। जस्ट लूजन अप, लूजन अप। और ऋतिक जैसा डांस करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओ जी, आप बोलो तो पूरी रात प्रैक्टिस कर लेंगे। ना स्टैमिना है आपने अंकल जी? ट्राई मी। वैसे तुम कॉल मी अंकल, कॉल मी मोहन। ओके मोहन जी, तो म्यूजिक प्ले करें? हाँ हाँ। पापा जी, खाना तैयार हो गया है। गुड़िया बेटा कह रही है कि अगर आप खा लेते तो ना। मनप्रीत जी, खाना खा ले। आप चलिए मोहन जी, मैं आती हूँ। मीटिंग। हाँ। समझ नहीं आता मैं रिहर्सल कर रहा हूँ तुझे, मतलब है कबाब सुपर, एकदम सुपर, वर्ल्ड फेमस है। चलो मैम। माय गॉड, हेलो जी, ड्रेस बड़ी सूट कर रही है, सोनी लग रही है। कमाल है, आपके और मेरे टेस्ट एकदम मिलते जुलते हैं। आप भी सैलेड, मैं भी बड़ा लाइट। मेरा तो मानना है इंसान को जितना खाना है खाओ, पर एक्सरसाइज डबल करो। सलमान खान भी यही कहता है। अच्छा, ये सलमान ऐसे कहते हैं? तो फिर इसके साथ सुपर स्टार्टर भी होना चाहिए। ओए बॉय, मोहन जी, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, पर आपका बाकी का अरेंजमेंट कितना क्लासी है एंड खाना वेरी मिडिल क्लास, इसलिए सैलेड। मेरे ख्याल से तो यू शुड अरेंज फॉर समथिंग बेटर। शादी और संगीत में तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं है ना? बगे बगे ये सर, ये अरेंजमेंट किससे पूछ के किया? खाने वाले तेरे ससुराल से आए थे, पूछा किससे? सर आपने वो जो 10 आइटम्स अप्रूव किए उसके बाद में गो ऐड हुआ सी। मैं तो मतलब जुबान ना लड़ा बग्गे, मनप्रीत जी ने कहा है खाना बेकार है। बेकार मोहन जी, मेरे ख्याल से तो आपकी क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से यू शुड ट्राई मॉडर्न केटरर्स एंड डेकोरेटर्स। वो गोल्फ रिंग्स की शादी थी ना दीवान्स की, उन्होंने केटरिंग की थी। आई वाज द मेन कोरियोग्राफर देयर। इतना टेस्टी और एक्सपेंसिव खाना है, ओ गॉड। अच्छा जी, ओए बगे, मॉडर्न केटरर्स को ऑर्डर दे। आपने जो इन केटरर्स से जो कमिटमेंट किया, मैं मनप्रीत जी ने कहा है फाइनल ना बगे। एड्रेस ढूंढ ले बगे। डेफिनेटली मैं, यस गो। अरे ये सैलेड में थोड़ा नमक डलवाएं? मुझे जरूरत है नमक की। हाँ होल्ड करो, पता करता हूँ। सर कृषि मंत्री जी के आसपास हैं जी। कहिए। नो नो नो, वी आर हेवीली पैक्ड। ओ जी कोई चांस नहीं है। अरे अगर मंत्री जी के शादी तो हम अपने हाथ में लिया हुआ काम थोड़ी छोड़ देंगे। जी कहिए। उधर जी, मैं बग्गा सबरवाल साहब के यहाँ से आया सी। उठे उनकी कुड़ी दी शादी हैगी, केटरिंग की बात करनी है। किससे करनी होगी? ऑब्वियसली मुझसे। गुड। ओ बादशाह, अपने सबरवाल साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैंगे, उनकी कुड़ी दी शादी, ओ सीरियल दा वो है ना मुंडा सुपरस्टार अमन कपूर, उससे हैगी। लड़के वालों की डिमांड है कि अगर केटरिंग होगी तो मॉडर्न केटरर्स की। मैंने कहा हो जाएगा जी, मैं इधर चला आया। ठीक किया जी। क्या कहने, जेन्युइन पार्टी लगती है जी, और रेफरेंस भी बड़े तगड़े लाए हैं, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए जी। बड़ा थैंक यू है जी आपका। आप नहीं होते थे ना तो आज बड़ी मुश्किल हो जानी थी। ओ कोई नहीं जी, आप बंदे ही बड़े जेन्युइन हो और पैसे भी तो डबल दे रहे हो। जी हाँ जी हाँ, हमको भी तो आपका ख्याल करना ही पड़ेगा ना जी। एक गल करनी थी, वो छोटा सा मुंडा आप लोगों का बिजनेस दिखता है जी। छोटा प्राय है जी, 10 साल पहले मम्मी जी को बंगला साहब के बाहर रोता हुआ मिला था, वो उसे घर ले आई। बिजनेस के लिए बड़ा लकी है जी। ओ माय गॉड, एक लावारिस बच्चे नु आपने अपना प्राण बना लिया। बग्गा जी लावारिस नहीं,
भाई से बढ़कर है जी। सॉरी अजी, मैंने आपको हट किया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पराये नु अपना समझते हैं। Modern caterers and decorators. Quality and quantity. We offer the best. Since summer of 69 ji. Good. Okay. इसे किंदे क्लास। बंदे को अपने घर में 5-star की फीलिंग। जी। Thanks वगे। My pleasure sir. मनप्रीत जी को बोल देना। सही है टीचर जी, सही है। सबरवाल को सही तरीके से अपनी उंगलियों पे नचा रखा है तुमने। क्यों बल्लू? हाँ, नचाने की तो मास्टर है ये। तेरे को तो पता होगा। पर मुझे तो टीम में होना ही नहीं था ना सुखी। नहीं नहीं, वो क्या है ना, बल्लू का गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता है। Forgive and forget। ओए नाक मत काटो मेरी, अगर सब बरबाल को भनक लग गई ना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जरा दूर दूर आओ एक दूसरे से। दूर दूर। ओए छुपके बैठी है चश्मे के पीछे, कभी ताके ऊपर से कभी झांके नीचे। अरे बग्गा साहब निश्चिंत रहिए, बल्लू ने मंडप डेकोरेशन और कन्वेयंस की सारी तैयारियां कर ली हैं। अच्छा जी? हाँ। सब तो कोई बात नहीं, मैंने ना बहुत टेंशन हो गई थी। आप वो तो मैंने कोई टेंशन ही नहीं आया। थोड़े बेच के सो जाओ अभी। अरे उठो उठो। अरे यार तू मतलब पुत्र। सॉरी सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गलती तो सबके साथ हो जाती है। और अरे वैसे भी कबाब ठंडे हो गए थे, देखो गेस्ट को गरम कबाब सर्व करने चाहिए। I'm sorry, चलो आप तंदूर से फ्रेश कबाब ले आओ। मैं अभी लेके आता हूँ। सॉरी सर। भाई वाह क्या बात है ब्रदर, आप तो ना अपने स्टाफ से बड़े प्यार से पेश आंदी हो, हैं? वो बग्गा साहब स्टाफ ही मालिक को बनाता है, मालिक स्टाफ को नहीं। और जो हमने इनकी इज्जत नहीं ना की तो इन्होंने हमारा भट्टा बिठा देना है। क्या बात है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। क्या बात है सुखी पाजी, क्या बात है भाई। से लड़ी है सर फिरी है सर पे चढ़ी है लड़ाकी मुझसे लड़ी है लड़ाकी हाय मुझसे लड़ी है। इश्क बाजी करे मुझे राजी करे, इश्क बाजी करे मुझे राजी करे, छेड़े चोरी चोरी खुराफती थी। What a performance! I'm impressed. All because of you. एक तो जी आपने जो modern caterers दिया है वो बड़ा इज्जत रहेगी। क्या बढ़िया सा खाना खिलाया जी, और आपने जो नचाया जी, मतलब पूरे party में एकदम। Anything for you. Nice. Thank you very much. बगे, बगे, पापा जी. Yes, पापा. मनप्रीत जी को घर छोड़ दे। अच्छा, मैडम बस 2 minutes. उधर parking की भसड़ है। मैं निपटा के बस अभी आया सी। पागल हो गया। अब तू डिसाइड करेगा कि तुझे क्या करना है। Who's your boss? Who's your boss? It's my order. Yes. Say yes. Yes. You'll drop her. Say yes. 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 What happened, Papa? Nothing. You just. Okay. Yes, madam. Please. क्या जी ये बड़े गर्म हो रखे हैं? अब जी मालिक अगर गुस्सा करे तो नौकर बेचारा क्या करे? अब भाजी आप घबराओ मत, इनको मैं छोड़ देता हूँ, इनको मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं, आप रिलैक्स करो, मैं छोड़ देता हूँ। आओ जी आओ, आप आओ मेरे साथ। थैंक यू बगा जी। बगा जी सर, डोंट माइंड, बट वो क्या है ना, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चलो ना मूड चेंज करने के लिए एक लवली लवली। बगा बाजी एक और लगा लो। सुखी
यू आर लाइक माई ब्रदर। बंदे नू रेस्पेक्ट देना तेनू आती है यार। और एक सफरवाल, 20 साल से मैं इसके साथ हूं, 20 साल। रेस्पेक्ट तो तेले भर के नहीं देना आएगा। सवेरे से लेकर शामी तक काली गलौज और जलील करता रहना आएगा यार। पाजी आराम नाल, तुहानू ज्यादा हो गई है। ज्यादा तो इस सबरवाल कुत्ते की हो गई है। मैंने क्या साहब जी, मेरी बेटी नू अपने स्कूल विच एडमिशन दिला दो साहब। कहता है तेरी बेटी इत्थे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जानी है क्या? अरे जा, इसे किसी चुंगी दे स्कूल में एडमिशन करा दे इसका। और श्याम बाबू अरे तुम लोगों, उस अनाथ बच्चे को कितना प्यार दे रहे हो, पाल पोस के बड़ा कर रहे हो। भाई गुरु ने सबको एक मौका देना है, आपको भी। ला भी ला। वहां जो फार्म हाउस है या महाराणा प्रताप का किला, गोड्डे घस घर ढूंढते ढूंढते खजाना के मिल ही नहीं रहा। एक ही जगह बची है, उसका बेडरूम। अरे तो अभी तक बेडरूम चेक नहीं किया, और वहां जाने नहीं देता किसी को, तो अब क्या करना है? कल माता की चौकी है, बस वही मौका मिलना है। ठीक है, संभाल के। जयकारा शेर वाली दरबार की जय। Wow, it's so amazing. See, I told you. ज़्यादा नहीं पिया कर। जीजा जी पता चल गया कि ऐसी आते पी के आए, तो सानू दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ओ, टांग नाल चल गया रे, जा नहीं रहा। दौड़ा के किदा। जय माता दी। इन्हें उठे क्यों लिया? और जीजा जी कहते इसी इंडियन कल्चर देखना। हमने कहा आओ माता की चौकी दिखा देते हैं, इसका भी काम हो जाना है तो थोड़ा भी। तेनू मैं लव करदा, तेरे भजन जपदा। ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी बेस्टी करे, सानू तू ब्लेस कर दे, दुख साडे लेस कर दे। ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी बेस्टी करे, सुबह होने ना दे, सात होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठ रहे। ओ मेरी माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ मेरी माता। ओए जल्दी कर यार, टाइम कम है। हाँ चल चल चल। पैसे की रेन कर दे, दूर ये पेन कर दे।
ही है। नहीं नहीं इधर नहीं रख दे। फ्रिज कितने करोड़? एक बार बोल दिए तो रख रहा हूं। मोहन जी आप? वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलिए। यहाँ नहीं तो कमरे में? नहीं नहीं वो बालकनी में चलते हैं। चलिए ना। हाँ। आइए। बहुत अच्छा गाती है। तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। मोहन जी वो मेरी फ्रेंड है ना शिल्पी, वही जिसने मुझे रेकमेंड किया था। हाँ 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 जी। 25 को हमारी डांस अकेडमी का इनॉग्रेशन है। हाँ। कालका जी में, और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आए। ओ जी मैं चीफ गेस्ट? अब प्लीज मना मत कीजिएगा। ओ जी आप कह रही हैं तो थैंक यू। वैसे एक बात कहें मनप्रीत जी, ड्रेस बड़ी सूट कर रही है। हाँ जी। ओ सर जी, ओ चलिए जल्दी से वहाँ पे, ओ रमन जी पवन जी ना वो लेडी सिंगर को ऊपर चढ़े हुए हैं। अरे जल्दी जल्दी, आप अगर नहीं गए ना तो माता यहीं प्रकट हो जानी है। हाँ वो कुछ नहीं, वो बच्चे हैं आपस में खेल रहे होंगे। ऐसा कर दूर रुक मैं आ रहा। आइए। मैं बस के तुझे शर्म नहीं आती मनप्रीत के सामने ऐसे बोलते? अरे भाई वो सबके सामने चढ़ सकते हैं और मैं उसके सामने बोल भी सकता। ये देखिए ये 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 देखिए आप प्लीज कुछ करिए ना, कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। देखिए मैं जानता हूँ कि मिस्टर बवेजा बहुत ही ईमानदार आदमी थे, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सीधे कोर्ट से ऑर्डर आया। आप लोगों के पास 5 दिन बचे हैं। आप लोग इन्वेस्टर्स को समझाइए कि वो अपना केस वापस ले लें, नहीं तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। एक मिनट। हेलो। हाँ जी मम्मी जी, हाँ बलवंत बोल रहे हैं जी। ओ जी यहाँ पे तो खजाना कहीं पे भी नहीं मिल रहा जी। माता रानी हमारी मदद कर नहीं रही लगती। आप ही कुछ करो मम्मी जी। ठीक है। Excuse me? Yes, sir. Sir. Who is your senior manager? Call him right now. Tell me, sir. I'm here for you. I ordered for soy sauce 15 minutes back. How do you expect me to eat my sushi? Sir, वो हमारे एक special guest आ रहे हैं urgently तो so? वो सब उनकी वाइफ है। Hello, ma'am. So pleased to see you. As usual, we have booked the top 3 floors of our hotel specially for you. Please come on. नमस्कार नमस्कार मिसेस मेहता, नमस्कार, गुड टू सी यू, बड़े दिनों बाद। कहाँ थे आप? मैं मिलान गई थी फॉर द पावर प्रोजेक्ट, थी ना। और आपकी पार्टी कैसे चल रही है? बस मैम आप ही के फंड से चल रही है हमारी पार्टी। ओह डोंट एम्बैरस मी, आई ट्रस्ट योर पार्टी। थैंक यू, अलाउ मी मैम। थैंक यू। Excuse me, sir. हद हो गई,
सोया सॉस ऑर्डर किया था, ये क्या है? सर दिस इज अ बॉटल ऑफ रेयर वाइन फ्रॉम मिसेस हंसल मेहता स्पेशली फॉर यू। मिसेस हंसल मेहता, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? आप करते क्या हो जी? हंसल कंस्ट्रक्शंस, हंसल फाइनेंस, हंसल शिपिंग, हंसल केमिकल्स, हंसल फिशरीज, हंसल फार्म्स। इसका मतलब जी हंसल प्लाजा, हंसल मॉल, हंसल आर्केड, वो आप तो ही गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा तक छाए हुए। इट्स माय प्लेजर टू मीट यू मैडम। लाइकवाइज माय प्लेजर। इट्स ग्रेट मीटिंग यू अमन कपूर, द बिग स्टार। आई विश शैलजा वाज हियर। हु? माय डॉटर शैलजा। अच्छा। शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। इन फैक्ट मेरे दोनों बच्चे दे आर बिग फैन ऑफ योर्स। एक भी एपिसोड तुम्हारा मिस नहीं करते। शैलजा तो आपका हर एपिसोड रिकॉर्ड तक करती है। अच्छा। तो आप लोग यहाँ शूटिंग के लिए आए? और नहीं जी, नहीं, वो दरअसल जी अमन जी इज गेटिंग मैरिड, मिस्टर सबरवाल डॉटर की ना गुड़िया? गुड़िया, गुड़िया जी। आप लोग तो जानते होंगे जी उनको। एक्चुअली मिस्टर सबरवाल के बैंक और स्कूल की जमीन हंसल रियल एस्टेट ने ही उन्हें बेची थी, लेकिन पेमेंट अभी तक बाकी। Let's not talk about this. Sorry. हाँ, congrats in advance, बेटा. Thank you so much. Excuse me, ma'am. This is the limited edition watch जो आपने अपने बेटे के लिए order की थी. It's come. It's classy, fabulous. You like it? Give it. Your wedding gift. अरे नहीं, अरे अरे नहीं क्या? अरे बर्थडे जब देते हैं तो मना नहीं करते। देख प्यार से दे रहे हैं वो, रख ले उसको। Take it, take it. Thanks. अगर मैं आपको मिसेज हंसल मेहता की जगह आंटी जी बुलाऊं तो? मार करता है यार तू। आंटी जी तो है वो, और आंटी जी को तेरी शादी पे भी आना है, वरना हमें ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, वापस कर देना। बोलो ये आओगे कि नहीं आओगे? चेक दैट। एक्सक्यूज मी, रेस्टरूम से आता हूँ। आया अच्छा किया। हेलो। नो 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 मिस्टर सबरवाल, मैंने कितनी बार कहा है प्लीज मैडम को फोन मत कीजिए, हम आपके साथ कोई बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके एंड प्लीज डोंट कॉल अगेन। बेटा जी क्या कर रहे हो? वो इतनी सारी ब्राउनियां, वो क्या टेंशन है, मुझे बताओ तो सही। नो इट नॉट डैड, व्हेन अमन जी इज टेंस, अमन जी इज ब्राउनी। हाँ हाँ, बात क्यों है वो तो बताओ। सबरवाल He's a big time fraud. और अभी लेकर आए थे ना रिश्ता? अरे बेटा जी मैं ही लेकर आया था, आपको ही तो 15 करोड़ में अपनी फीचर फिल्म लॉन्च करनी थी ना, इसमें मैंने क्या गलत किया मुझे ही तो बताओ। एक बार को शादी होगी, हाँ बाद में रिसेप्शन पे अगर पैसे देने से मुकर गया तो? और नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आई एम टेलिंग यू डैड, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया? पहले पैसे फिर फेरे। एक सुनिए बॉयफ्रेंड, मैं अगर थोड़ा चुम्मा लूं तो तू मुझे क्या समझेगी? गर्लफ्रेंड फुद्दू। फुद्दू क्यों? गर्लफ्रेंड भरी थाली छोड़ के तू सिर्फ अचार चखेगा तो फुद्दू नहीं हुआ। हेलो। अरे सबरवाल साहब, एक जरूरी बात करनी थी जी आपसे। हाँ जी दसो। वो जो हमारी जारी है रकम के डिसाइड हुआ था ना जी, वो हमें फिर उससे पहले चाहिए जी। ओ जी क्यों हो गया जी? ओ कुछ नहीं हुआ जी, बस एक पर्सनल रिक्वायरमेंट आ गई है, मैं बता दूंगा जी बाद में आपको। ओ लेकिन कपूर साहब, हमारे बीच तो गल हो चुकी थी कि रिसेप्शन के बाद पहले मुंबई में देने थे। ओ नहीं जी, हमें तो फिर उससे पहले ही चाहिए जी। आप बस इंतजाम कर लो जी। हाँ जी गल तो। हाँ भाई ठीक है, अब किना आपने अमन जी के डैडी वाली बात। प्यो तो प्यो वाली बात ही करेगा ना आदमी,
बेवकूफ नहीं कर। स्वामी जी एक प्रॉब्लम आ गया सी। बोलो। वो तेज कपूर से बात हुई थी कि शादी की रकम रिसेप्शन के बाद मुंबई में देना सी। वो साला अपनी बात से मुकर गया थी। वो कह रहा पहले पैसे के मुंह दिखाओ तो बारात घर में घुसेगी। तो स्वामी जी वो बैंक वाले पैसे जो आपके पास मैंने रखे ना वो अरेंज करके रखिएगा, मैं लेने आ रहा हूँ अभी। तुम रुक। क्यों, क्या होगी जी? शनि का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। मैं नहीं चाहता कि गुड़िया की शादी में कोई अड़चन आए। शनि को शांत करने के लिए तुझे जो उपाय बताए थे तू उसकी तैयारी कर। पैसे हम खुद लेके आते हैं। वही बग्गे, फिर उसे पहले जो 100 ब्राह्मणों को बुलाना था वो बुला दिया ना। परफेक्ट जी, सारा इंतजाम हो गया जी। की गल हुई? से फार्म हाउस में आ गए। तोड़ा सारा पैसा वापस दिलवाऊंगी, सूद समेत विद इंटरेस्ट, बस विश्वास रखो। यार ये रोंदा चेहरा क्यों बना रखा है? हैप्पी चेहरा बना यार, ब्याह तेरा आज। अरे ब्याह तो नाचू मैं, वो तुच्छे सबरवाल ने बोला था दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतरेगा। कहाँ हेलीकॉप्टर? सुपरस्टार अमन जी मूर बग्घी पे बैठा चला आ रहा है। 15 करोड़ देखे बगैर ना घुसना नहीं है मैंने अंदर में। बता दे यार मुझे एक बात बता, और जब मैंने अपने फेरे बगैर पैसे के नहीं पढ़ने दिए तो तेरे कैसे पढ़ने दूंगा? और तू टेंशन मत ले, तेरे पास 15 करोड़ आएंगे ना तू अपना हेलीकॉप्टर खरीद लियो, ठीक है? चल और मुस्करा। और चलो बजाओ। मुबारका जी, मुबारका मुबारका ढेरो मुबारका जी। इनसे मिलो जी, ये जी हंसल ग्रुप के मिसेज हंसल मेहता। हमारे घर की बात है, समझो खास है हमारी। अंदर चलिए ना, आइए जी। चलो 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 डैड। और सबरवाल साहब एक बात तो करनी पूरी है। जी अमन जी कह रहे थे जी दुल्हन का एक बार चेहरा दिखा दो जी। बेटे फिरू के पहले नहीं देखे। नहीं सबरवाल साहब आप समझे दुल्हन। जी अरे अंदर आइए ना। चलो चलो सब तैयार है। आ जा आ जा। हेलो पाजी। देखो जी सबरवाल साहब, मुझे ना जी आपको अपने दिल की एक बात बतानी है। अगर मेरी कोई इमरजेंसी नहीं होती ना, मैंने आपको ये तकलीफ देनी ही नहीं थी बिल्कुल भी। ओए बादशाह, इस वक्त तकलीफ की क्या बात है? हाँ जी। मुर्गे नु चाहे दुकान विच काटो चाहे जंगल विच काटो, उसे तो कट रही है। सॉरी। अरे दमाद जी पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे यहाँ सेफ है जी, नॉट टू वरी। कपूर साहब को कोई नया जोक आया तो सुना। ये कोई बड़ा कमाल की आपकी चीज़ है, बड़ा अच्छा पाल रखा आपने। बग्गे चला बग्गा जरूर। कपूर साहब ये वो कुत्ता है जो भोकता नहीं जी, जोके सुनाता। सुना रहा है। चल चल सुना। और रुक जा यार, और रुक जा यार, और रुक जा यार, तेरे को तो बोलते तो शुरू हो जाता है यार। और मुझे एक बात बताओ सबरवाल साहब, हमारी बेटी की शादी है, हम क्या जोक सुन रहे हैं क्या आप? अरे नहीं पाजी, पाजी आपके लिए तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम रखा है, देखते ही पाजी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, मजा आ जाएगा पाजी। चलो चलते हैं। पाजी चलो चलो। ओ बग्गे तू थे रुक। शगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट, शगना
पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपी वा या स्मृते पुंडरीकाक्षा स्वयभयंत्रः सूचि ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायण नमः ओम ऋषिकेशाय नमः। एक्सक्यूज मी मिस्टर रमन कपूर, आपके लिए फोन है। कौन है? पता नहीं लेकिन कह रहा है बहुत जरूरी बात करनी है, इट्स अर्जेंट। हेलो हेलो शैलो छोड़, जय माता दी बोल। तू दूल्हा नहीं मामा बन रहा है। व्हाट, क्या बकवास कर रहा है बे? तो है कौन? मैं ओबामा बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा बहुत बड़ा कट चुका है। जिन पैसों के लिए तू शादी कर रहा है ना, वो पैसे बैग में से गायब हो चुके हैं। पिक्चर तो छोड़, अब तेरा तेल कार्ड भी नहीं बनेगा। फिर उसे पहले बैग चेक कर लियो, नहीं तो तेरी बहुत बड़ी फ्लॉप हो जानी है। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जी? कुछ कुछ नहीं, आप बैठो, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। बैठो बैठो। अरे लेकिन बात बात क्यों हुई बात? अरे बेटा जी बात तो सुनो। क्या हुआ जी? किसका फोन? पता नहीं। नानी जी बंद कराओ इनका नाटक, सालों ने बेवकूफ समझ रखा हमें। ये क्या मजाक है अंकल जी, क्या ये सब? देखो पूरे 15 करोड़ गायब है बैग में से, और ये नदी भर रखा है, अचार लगाओ मैं इनका। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे फ्रॉड है साले। सबरवाल साहब, क्या है ये? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं सबरवाल? एक मिनट कपूर साहब, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पैसे कहाँ हैं। घर के अंदर चलिए ना, वहां बात करते हैं। सबरवाल, जो बात करनी है ना यहीं पर कर, और सबके सामने कर, और ये बता पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे पैसे तो तुम लोगों ने देखे थे। और बग्गे 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 ए बग्गे, ये साला कहाँ गया? पैसे पैसे का ख्याल तो वही रखने वाला था। अरे क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? और मजाक तो सबरवाल साहब तुम कर रहे हो यार, पैसे दिखा के तुम फेरे करवा रहे थे वो अपनी एवरेज सी बेटी 4 फुट 2। चुप चुप साले, गंदी जुबान से मेरी गुड़िया के बारे में कुछ बोला ना तो काट दूंगा साले। बिल्कुल ठीक कह रहे जीजा जी, अरे 3600 देखे तुम जैसे टीवी स्टार। और कितनी बेइज्जती करानी है जीजा जी? ओए
टीवी स्टार चक्कर अपने बराती तो दबा दे तो बकवास बंद कर, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। डैडी जी शादी कैंसिल, चलो यहाँ से। रुक यार, शादी तो कैंसिल है, बात करने दे मुझे इससे। ओ सबरवाल, ओ मुझे तो बहुत पहले ही मिसेस हंसल मेहता ने बता दिया था कि तू बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन यार मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना नीच होगा कि अपनी बेटी की शादी में भी फ्रॉड करेगा। चुप साले, चुप, चुप साले, चुप। किसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है मालूम है? सबरवाल, ये एम्पायर मेरा है। कौन है रे मिसेस हंसल मेहता, कौन है जो मुझे चाहती है? कौन है? बोल बोल रे। मैं मिसेस हंसल मेहता नहीं। कौन हो तुम? जसबीर बवेजा, रविंदर बवेजा दी बीवी। क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा ना सबरवाल? और ठहर जाओ मम्मी जी, इसको सेक दे दे के हम समझाते हैं। तेरे स्कूल के प्रिंसिपल सेठी की क्लास हमी ने ली थी तुझे 3 करोड़ का चूना लगा के। कैसे आ लो? वो तो बहुत से आप स्कूल की तरफ आए नहीं ना, तो मैं कुछ देखने चला आया कि सब ठीक ठाक तो है। और उसके बाद तेरी डेयरी में तेरी दही भी हमी ने जमाई थी। जी एक स्यापा हो गया है, वो जी डेयरी पे रेड पड़ गई है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंच चुकी है। और फिर हम सब ने तुझे मिलके नचाया ताकि तेरे पैसे ले सके। मनप्रीत सालो, जानते नहीं कौन हूं मैं? पता है साले कौन है तू? तेरी वजह से मेरे पापा जी की जान चली गई और सायरा भाभी अभी तक जेल में है। मैं सुखविंदर बवेजा, रविंदर बवेजा का बेटा। मैंने कसम खाई थी कि मैंने अपने पापा जी का खोया हुआ सम्मान वापस लाना है। ओए, जिस तरह तूने इन्वेस्टर्स के पैसे लूटकर बवेजा जी को फंसाया, असी तेरे पैसे लूटकर तेनु फंसाया। लूट के पैसे? वो पैसे सबरवाल के घर से बाहर लेके जाके दिखाओ तुम लोग। ओए, पैसे तो तेरे फार्म हाउस से जा चुके और तूने अपने हाथों इन्वेस्टर्स के पैसे विद इंटरेस्ट वापस किए। गल्ला मार दे। चल भाई आगे चलिए। सर जी एक जोक सुनाओ। रहने दीजिए, आज तो आप खुद ही एक जोक बन के रह गए। तू भक्के, जिस थाली में खाया उसी में साले तूने छेद किया। और सुना, बीसीओ बवेजा को मरवाया है ये सबरवाल और साले आता है। हट बाजू, हट। बहुत हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप और ये सब मामा के जाने के बाद हमें सब कुछ से माय हीरो यू हर्ट मी, यू आर नॉट माय पापा एनी मोर, प्लीज चले जाइए आप। यही होना था तेरे साथ सबरवाल, इससे बड़ी सजा तेरे लिए नहीं हो सकती। आज बवेजा जी की आत्मा को शांति मिल गई। सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर मोहनलाल सबरवाल को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जिंदगी की गाड़ी सबरवाल की सजा के साथ रुकी नहीं, मनप्रीत और मेरी शादी हो गई, नानी जी को फ्री केबल कनेक्शन मिल गया, मिंटू के जगराते का साइड बिजनेस हिट हो गया, बल्लू पहले भी जुगाड़ू था और आज भी है, कबूतर को बिना डोनेशन के एडमिशन मिल गया, बग्गा जी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोक सुनाने के लिए एक बड़ा परिवार, पर जवाब नहीं हमारी मम्मी जी का। सुपर हीरो तो बहुत देखे हैं हमने, पर हमारी मम्मी जी जैसी सुपर हीरोइन कोई नहीं। बजाते रहो।